इस वक्त शायद हमारा देश रिलेटेड टू कोरोना वायरल इन्फेक्शन सबसे क्रूशियल फेज से गुजर रहा है। इस वक्त हमें हर एक लेवल पे प्रोएक्टिव होने की जरूरत है राधा देन रिएक्टिव। मैं डॉक्टर बिजल कापड़िया, वाइस प्रेसिडेंट दमन मेडिकल एसोसिएशन, मेरे साथ प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर वैश्य सर एंड सेक्रेटरी डॉक्टर कृष्णा दमनिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर वैश्य सर से कि आगे के डिटेल्स आपको प्रोवाइड करें। आप लोगों को पता है कि पूरे भारत देश में कोरोना वायरस COVID-2 का एपिडेमिक चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस केरला में है, महाराष्ट्र में है और दिल्ली में है। इसमें 23 राज्यों में ये केसेस हुए हैं और इसमें से 9 डेथ हुए हैं आज तक, और इसमें से 41 फॉरेनर्स हैं। हमको सोशल डिस्टेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, और जैसे चाइना का एक्सपीरियंस है कि जब तक लॉकडाउन नहीं किया तब तक केसेस कंट्रोल में नहीं आए, हमको लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी ने स्टेप्स लिए हैं और लॉकडाउन किया है, और मुझे आशा है कि ये परिस्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दमन मेडिकल एसोसिएशन ने हम कल पर्सनली जाके कोई भी कॉपरेशन के लिए हम सेक्रेटरी हेल्थ को चिट्ठी देके आए हैं, और आज भी हम कोई भी हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन को, हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए वो करने के लिए तैयार हैं। और हमारे दमन के क्लिनिक थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, जो नहीं खुले हैं ऐसा बोल रहे थे, तो हमने सबको ऑर्डर दिया है और सब क्लिनिक अभी खुले हैं और सब पेशेंट देख रहे हैं। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि हर एक ये वायरस के लिए हर एक को सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, और जो उपाय हैं बचने के टीवी पे देते हैं, हर एक न्यूज़पेपर में आता है, वो करने की बहुत ज़रूरत है। पुनः मैं सबका आभार मानूंगा, धन्यवाद। डॉक्टर वैश्य सर की बात को थोड़ा आगे ले जाते हुए, कल गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को एक ऑर्डर आया था, जिसमें पॉइंट 2B में जो कंपलसरी सर्विस है, एसेंशियल सर्विसेज है, इसमें हॉस्पिटल्स मेंशन किया गया था, क्लिनिक्स मेंशन नहीं था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। और शायद इसलिए कंफ्यूजन की वजह से हो सकता है कि क्लिनिक्स रन करने वाले डॉक्टर्स को आज थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था मॉर्निंग में, लेकिन वो बात आज हमने पर्सनली सेक्रेटरी हेल्थ को मिलकर ये बात क्लियर कर ली है। हमारी तरफ से दमन मेडिकल एसोसिएशन के अंडर जो भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है एंड डॉक्टर्स है, हम दमन मेडिकल एसोसिएशन एक एलोपैथिक डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, तो इसमें MBBS एंड एबो MBBS वाले डॉक्टर्स है वो इसमें रजिस्टर्ड है। सो मेडिकल एसोसिएशन के अंदर जो भी डॉक्टर्स, जो भी हॉस्पिटल, जो भी क्लिनिक्स रजिस्टर्ड है वो सभी ओपन है। हाँ, क्योंकि ये एक लॉकडाउन का फेज चल रहा है, जैसे मेरे हाथ में एक कॉपी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स की तरफ से हमें एक कॉपी प्रोवाइड की गई है, जो हम पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं उसमें, और आज ये समय पे लॉकडाउन के समय पे जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करने का तरीका अलग रखा जाता है। खास करके जो हमें गाइडलाइंस मिले उसके हिसाब से हमें OPDs और क्लिनिक्स मेनली इमरजेंसीज के लिए रन करना है। जो पेशेंट स्टेबल है, जो फॉलोअप के लिए आ रहे हैं या प्लान कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं, वो अपना कंसल्टेशन अगर इमरजेंसी नहीं है तो टेलीफोनिक कंसल्टेशन के द्वारा भी ले सकते हैं, जिसको लीगल वे में कंसीडर किया जाएगा, या अपनी अपॉइंटमेंट को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन भी कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है, जो नॉन इमरजेंसी या रूटीन केसेस है, जैसे ऑलरेडी मैंने कहा हर एक मेडिकल एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के फोन नंबर्स आपको आज शाम तक या कल तक प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें से किसी भी डॉक्टर को आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी ले पाएंगे और इवन अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए भी
मैं आप सबको सलाह दूंगा कि अपॉइंटमेंट्स लेकर ही आप हॉस्पिटल या क्लिनिक्स को अटेंड करें। एट प्रेजेंट जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम हमारे वेटिंग एरिया में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 मरीजों को ही प्रीफर करेंगे, उससे ज्यादा मरीजों को एक साथ हम रखना नहीं चाहेंगे। इवन मैं प्रीफर करूंगा कि अपॉइंटमेंट्स 1 घंटे में मात्र 6 या 7 अपॉइंटमेंट्स का टाइम ड्यूरेशन देके एडजस्ट किया जाए सबकी तरफ से। जो मरीज भर्ती होने के लिए आते हैं उनके साथ, इवन ओपीडी पेशेंट के साथ जो मरीज के रिलेटिव्स आते हैं, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एक ही रिलेटिव मरीज को एकम्पनी करे, एक से ज्यादा रिलेटिव मरीज के साथ ना आए, जिससे भी हम गैदरिंग है उसको हम अवॉइड करना चाहेंगे। अल्टीमेटली ये जो लॉकडाउन प्रोसेस है या जो हमारा काम करने का तरीका है वो भी इसीलिए है कि हम खुद अपने इस प्रकार के प्लानिंग से स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को अवॉइड करना चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि एक कोरोना इन्फेक्शन का एक पेशेंट की वजह से कई बार 3,000-4,000 और इन्फेक्शन नए लग सकते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में जहाँ तक हो सके गैदरिंग्स कम रहे। प्लान वे में आप आइए, अपॉइंटमेंट लेके आइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडर रहे, और जो प्लान कंसल्टेशन है या प्लान सर्जरी है उसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किया जाए।
होटल रिवांटा, होटलों की दुनिया में एक अनोखा नाम, एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर कॉर्पोरेट एंड फैमिली स्टेज। We have aesthetically designed comfortable and unique interior in our rooms. We have aesthetically designed comfortable and unique interior in restaurant and party hall. लजीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए हमारे पास है मल्टीपल कुजीन शेफ्स। आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना हो, बर्थडे मीटिंग्स या और कोई प्रोग्राम्स अरेंज करने हो या कंफर्टेबल स्टे करना हो तो बेस्ट ऑप्शन इज होटल रिवांटा। एक्सपीरियंस द न्यू लक्जरी विद कंफर्ट एंड क्वालिटी। होटल रिवांटा, 3 बत्ती देवका रोड, नानी दमन। बिजली बचाओ।